नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें हर एक टॉपिक की एक अलग अलग बुक आप लोगों को रीड करनी पड़ती है। दूसरा तरीका आजकल आया है जिसमें आप एक या दो बुक्स बार बार अगर रिवाइज करोगे तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ दोनों तरीके जो है वो डिस्कस करूंगा। अगेन, हम लोग मेन फोकस यही करते हैं कि जिस तरह से जितना कन्वेंशनल तरीकों से अगर आप प्रिपरेशन कर सको तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है लेकिन मेंस के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप शॉर्ट टाइम में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी देखेंगे टॉपिक वाइज, कि किस तरह से टॉपिक वाइज आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीड करना है पेपर वाइज, और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लास्ट ईयर ऑप्शनल का पेपर हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले पेपर वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे तीन तरह के स्टूडेंट जो हैं वो नॉर्मली मौजूद होंगे। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर ली है, दूसरे वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं जिन्होंने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करनी है, तीसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हाफ प्रिपरेशन की हुई है और इस टाइम पे वो डायलेमा में है कि किस तरह से प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से अप्रोच करें। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये तीनों तरह की जो ऑडियंस है उसकी डिमांड को, उसकी नीड को केटर करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लिया है, उसने या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हैं या कहीं से कोचिंग ली है या कुछ रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया है, वो अपनी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। जो जो बुक्स आपने अभी तक पढ़ी हैं आप उन्हीं बुक्स को फॉलो करोगे, चाहे यहाँ पर मैं किसी और बुक के बारे में भी मैंशन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करनी है फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनको मैं पहले तो सजेशन दूंगा कि आप अपने पास जो इग्नू का बीए मटेरियल, इग्नू बीए का जो मटेरियल होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको अपने पास रख लीजिए। काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ इग्नू बीए मटेरियल पढ़ने से ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं और ये काफ़ी ईजी भाषा में, ईजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान है। कुछ बुक्स आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी हैं जो काफ़ी हैवी हैं, उनको समझना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर द पेपर वन। क्लियर? तो अगर आप इग्नू के नोट्स को इंटीग्रेट कर लो किसी भी बुक के साथ तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तीसरे वो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन आदि कर चुके हैं, कुछ चैप्टर किए हैं, कुछ चैप्टर नहीं किए हैं, या प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अभी डिलेमा में है कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया जाए, उनके लिए मैं आपको दो तीन अलग अलग अप्रोचेस बताऊंगा कि किस तरह से आने वाले 40-45 दिनों में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करना है। शॉर्टकट वो लोग ना लें जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पेपर देना है। ध्यान रखना, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन भी चेंज होती है, लेकिन मैं अभी भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो कन्वेंशनल प्रिपरेशन वे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने का, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बुक्स चेंज करनी पड़ती हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी ऑप्शनल की। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शनल और जनरल स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर टू आएगा उसको आप काफी पॉलिटी के साथ रिलेट कर पाओगे, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जनरल स्टडी पॉलिटी जैसा होगा, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की तरह आंसर लिखना है। वो कैसे लिखते हैं उसको थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग पेपर वन के लिए दो तीन अलग अलग बुक्स को फॉलो करते हो। तो मैं पहले बुक्स के नाम ले लेता हूँ। अगर आप वो कैटेगरी के लोग हो जिन्होंने ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर ली है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि या तो हम मोहित भट्टाचार्य की बुक फॉलो करते हैं सारे के सारे लोग, या तो हम अवस्थी और महेश्वरी की बुक को फॉलो करते हैं, या तो हम फादी एंड फादिया को फॉलो करते हैं, या तो हम शर्मन सदाना को फॉलो करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। क्लियर? मैंने जिस बुक में ज्यादा अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर चैप्टर को दिया गया है उसके बारे में मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, दैट इज मीनिंग की बात करूंगा, स्कोप, सिग्निफिकेंस, अप्रोचेज की बात करूंगा, नेचर की बात करूंगा, तो ये आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय शर्मन सदाना बुक है उसमें से रीड करना है। अगर आपने मोहित भट्टाचार्य से रीड किया है वेल एंड गुड, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। अगर आपने अपने क्लास नोट से किया है वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। या इग्नू के नोट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे का पूरा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इग्नू के नोट्स को, स्पेशली सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने अगले साल या अगले से अगले साल एग्जाम देना है। जिन्होंने अभी देना है, लेटेस्ट देना है, जिनके पास टाइम कम है, थोड़ा जॉब में बिजी है, वो लोग जो है वो एक स्पेसिफिक बुक परचेज कर सकते हो। वो इग्नू के ऊपर का टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है।
दूसरी चीज ध्यान रखिए जो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग थिंकर्स की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ध्यान रखना है जो दो टॉपिक है ना, इनके ऊपर हमारी मैक्सिमम एनर्जी लगती है और हमें लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, लेकिन अगर इन दो टॉपिक्स को आप ढंग से अंडरस्टैंड कर लोगे तो इनकी एप्लीकेशन आपको पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगी। बेसिकली होता क्या है, जो आपका पेपर वन होता है ये आपकी थ्योरी होती है, और जो आपका पेपर टू होता है वो एक्टिविटी होती है। तो पेपर टू जो है वो आप जनरल डे टू डे लाइफ में, जो पेपर वन की इंप्लीमेंटेशन है उसको आप पेपर टू में देखते हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप पेपर टू को अप्रोच कर रहे होते हो, क्योंकि वो एक्टिविटी है, तो उसमें आप पेपर वन के जो कंसेप्ट है, पेपर वन की जो थ्योरीज, उनको अप्लाई करो। यही डिफरेंस होता है जनरल स्टडी के पॉलिटी के आंसर का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटी के आंसर का। क्लियर, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप लोगों को इस तरह की अप्रोच जब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रखनी पड़ेगी, ताकि लगे कि आप लोग ऑप्शनल का जो ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप लोगों ने ऑप्शन का आंसर लिखा है। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, तो आप लोगों ने इसके लिए प्रसाद एंड प्रसाद एक बुक आती है, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स है, आप लोगों ने इसी बुक को फॉलो करना है। जब थिंकर्स को अप्रोच करोगे तो तीन चीजें देखनी होती है, एक उस थिंकर की मेन इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, दूसरा उसका क्रिटिसिज्म क्या है, तीसरा उसकी क्या इस टाइम पे कोई प्रेजेंट में कोई एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, या उसकी करंट में एप्लीकेशन किस तरह से है। ये तीन चीजें आपने थिंकर्स के साथ लिंक करनी होती है, या कभी कभी कंपैरेटिव आ जाता है कि दो थिंकर्स को आपस में कंपेयर भी करने को पूछा जा सकता है। तो इसमें आपने इस तरह से अप्रोच रखनी है। उसके बाद देखिए, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, तो इसके लिए आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवस्थी एंड महेश्वरी बुक जो है उसको रीड करना है। इसके साथ आ जाइए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात की जाए, डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, कम्युनिकेशन, मोरल, मोटिवेशन की बात की जाए, तो इसके लिए आपने न्यू होराइजन बाय मोहित भट्टाचार्य, ध्यान रखना, चाहे आप मोहित भट्टाचार्य बुक जो है वो रीड कर रहे हैं वो भी मोर देन सफिशियंट है, न्यू होराइजन, या आप लोग जो है वो शर्मा एंड सदाना की बुक रीड कर रहे हैं वो भी मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद आप आगे आपका पब्लिक पॉलिसी, तो रेलेवेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसके लिए आपने इग्नू के नोट्स जो है जो बीए में आपको देखने को मिलेंगे वो मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद देखिए, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करता हूँ, कंसेप्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने या तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट, ये ध्यान रखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एआरसी रिपोर्ट की समरी जरूर होनी चाहिए। पेपर टू में मैक्सिमम टॉपिक जो है वो हम एआरसी रिपोर्ट से करते हैं, कुछ पेपर वन में भी हम एआरसी रिपोर्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपने न्यू होराइजंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य बुक को रीड करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी। उसके साथ जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, इसके लिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अवस्थी एंड महेश्वरी रीड करनी है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने अगेन न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य। एक चीज ध्यान रखिए, आप तीन बुक है, इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है मोहित भट्टाचार्य आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, चाहे आप मोहित भट्टाचार्य देखिए, चाहे अवस्थी एंड महेश्वरी देखिए, चाहे आप लोग जो है वो शर्मा एंड सदाना देखिए। मैंने अपने अकॉर्डिंगली, जो मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बेटर तरीके से चैप्टर्स लिखे गए हैं किन्हीं सर्टेन बुक्स में, मैंने उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, तो अगेन आपने शर्मा एंड सदाना या आप अवस्थी एंड महेश्वरी, दोनों बुक्स में से आपकी मर्जी है, कोई भी बुक जो रीड कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की जाए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन बाय अवस्थी एंड महेश्वरी। उसके बाद जो आपकी कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय शर्मा एंड सदाना, इस बुक से जो है वो आप रीड कर सकते हो। क्लियर। तो देखिए, ये था आपका पेपर वन के बारे में, तो अब चलिए पेपर टू के बारे में देख लेते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। अगर मैं पेपर टू की बात करूंगा, तो आपने सिर्फ एक बुक ही इसमें फॉलो करनी है, दैट इज इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय आर के अरोड़ा एंड रजनी गोयल। इसके अलावा आपने कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। ये वाला पेपर का अप्रोच क्या रहता है, पहला जो पेपर वन में आपने थ्योरी पढ़ी उसको इसके साथ लिंक करना है, दूसरा जो करंट अफेयर है उसको इसके साथ लिंक करना है। क्लियर। और तीसरा जो आपकी सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आती है उसके कुछ चैप्टर्स हैं उनको यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो सिर्फ इन तीन तरीके से और इस बुक के थ्रू जो है वो आपका पेपर टू कम्प्लीटली कवर हो जाता है। काफी लोगों के नंबर पेपर टू में कम आते हैं क्योंकि वो इसको नॉर्मल जनरल स्टडी की तरह लिख के आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को तीन चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी, एआरसी की रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो पेपर वन की थ्योरी है उसको। क्लियर। और इसमें कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, इजी पेपर है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। चाहे जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे पब्लिक सर्विसेज है, रिफॉर्म्स है, प्लानिंग है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, मेजर इश्यूज हैं, लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट है, डायरेक्टोरेट्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आप लोग उसी बुक से करोगे जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन की। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग वहां पे देखोगे, पीछे देखोगे, तो वहां पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका पेपर वन के अंदर था, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज है, तो दोनों लिंक्ड है। तो जब आप वहां पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ोगे तो यहाँ पे इस पेपर का आपका सिविल सर्विसेज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से जो आप लोगों ने इनको लिंक करना है, जब वहां पे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो जहां पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगी। तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा दोनों एग्जाम्स को।
तो ये था आपका थोड़ा सा कि किस तरह से आपने बुक वाइज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना है। क्लियर। अब देखिए, अगर आप लोग चाहते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे पूरे के पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्विकली रिवाइज करना, उन लोगों के लिए जिन्होंने मल्टीपल बुक्स पढ़ी हैं लेकिन रिटेन करने में प्रॉब्लम रही है, या उन लोगों के लिए जो 50 दिन के अंदर अंदर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 बाय राधा विनोद अरिबम। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। जो राधा विनोद अरिबम की बुक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने लिखी तो बहुत पहले थी 2012-13 के आसपास, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे सिलेबस और सारे के सारे डायमेंशंस को कवर करते हैं। नो डाउट इस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंसेप्ट लिखा है, सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली बुक काफी अच्छी है, मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा। अगर आप इस बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे तो आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को करंट के साथ इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर थ्योरी साइट करनी है, जहां पे कोट्स हैं थिंकर्स के वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं, और उसके साथ साथ जितना हो सकता है तो आप लोगों ने फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है, तभी इस ऑप्शन में आपका स्कोर मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा दूसरी तरीका क्या हो सकता है, ये आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। आप किसी भी कोचिंग मटेरियल के, कोई भी कोचिंग मटेरियल डालो, हर हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यहाँ वहां से कॉपी किया होता है, चाहे इग्नू के नोट्स हैं, चाहे इन बुक्स के नोट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। बस वहां पे क्या है कि एक जगह के ऊपर आपको सारे का सारा सिलेबस कंपाइल्ड मिल जाता है, तो आपकी मर्जी है। कुछ नाम फेमस है जैसे सिनर्जी है, क्रैक आईएएस है, या पवन कुमार के नोट्स हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाएगा तो आप लोग जो है इन नोट्स को जो है रीड कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आपने कहीं और से कोचिंग ली है वो भी बहुत बढ़िया है। मेरी सजेशन सिंपल ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में कौन से प्रिंटेड नोट अच्छे हैं, तो इन नोट्स के, इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के नोट्स हैं वो काफी बढ़िया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर इन दोनों में से मेरे को चूज करने को बोला जाए तो मैं आपको राधा विनोद अरिबम की जो 2 बुक्स हैं इनको सजेस्ट करूंगा। चलिए अब लोग देख देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर। स्ट्रेटेजी तो क्वेश्चन तो नहीं मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि ऑप्शनल का जो पेपर है वो कितने पेपर हैं। जैसे आप लोगों को पता है 2 पेपर होते हैं, हर एक पेपर जो है वो आपका 100 100 मार्क्स का होगा, 100 100 नंबर का पेपर होगा। क्लियर। 3 3 घंटे का टाइम आपको इस पेपर को करने के लिए दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस आपको 8 दिए जाएंगे, 8 में से आप लोगों ने 5 करने हैं। पर देखिए काफी लोग यहाँ पे चीजों को मिस कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो काफी लोग अगर इसको नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ ये पढ़ोगे पढ़ेंगे कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, तो पहले को अगर छोड़ दोगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके अलावा जो 7 क्वेश्चन बच गए उनमें से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे पूछा, इलेबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, इजी क्वेश्चन है। पेबेरियन कंस्ट्रक्ट ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी रिमेन्स द मोस्ट डोमिनेंट पैराडिम इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट, ये अगेन पेबेरियन मॉडल के ऊपर है, मार्क वेबर के ऊपर, ईजी है। इसके साथ देखिए, डिस्कस द रोल स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सीधा क्वेश्चंस है। कंपेयर द फॉलोइंग, मास्लो एंड हर्ज़बर्ग, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्रिटिकली एग्जामिन। देखो ये 2-3 डायरेक्टिव्स इन्होंने पूछे हैं, क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकल एग्जामिन के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को दोनों डायमेंशन देने होते हैं और एक फेयर कंक्लूजन निकालना होता है। क्लियर। इसके साथ साथ देखिए बजट के ऊपर, देखिए 7th है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ FW रिग्स, इजी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत घुमा के पूछा गया, सारे सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस यहाँ पे थोड़े से डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे डिस्कस है, क्रिटिकली एनालाइज है, क्रिटिकली एग्जामिन है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसको देख के यही लगता है कि आपका पेपर बहुत आसान आता है और सीधा आता है। बस आपको थोड़ा सा कुछ चीजें जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की, आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। आप जो ऑप्शनल है उसमें काफी अच्छा नंबर, काफी अच्छे मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों ने टारगेट रखना है कम से कम 130, 135, इवन की 140 नंबर अगर आप स्कोर कर लोगे तो शायद आपका रैंक कहीं ना कहीं जरूर आएगा और आप टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 में भी आ सकते हो। अब देखिए, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं तो हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। क्लियर। और जब इस तरह के 2 सब पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी अप्रोच किस तरह से रहेगी कि हर एक के ऊपर जो है वो आप लोग किस हिसाब से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, 10 मार्क्स के हिसाब से। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो 20 नंबर का आपका सवाल क्वेश्चन है उसमें 350-400 वर्ड्स अगर आप लिखते हो तो सफिशियंट है। और अगर आपका जो 10 नंबर के हिसाब से, मतलब अगर पार्ट को अगर आप लोग अप्रोच करोगे तो 200 वर्ड्स, 180 वर्ड्स मोर देन सफिशियंट है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कंटेक्स्ट को ध्यान रखने का, जो आपका स्पेस है या जो आपका वर्ड्स है वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, अगेन पेपर 2 है। इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे भी 2 सब पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए, हाउ है, राइट है, डिस्कस है, क्रिटिकल एग्जामिन है, व्हाट है, एग्जामिन है। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया। और ये हमेशा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन रखा होता है
तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे तो एक और पॉजिटिव जो है वो आपकी अटेम्प्ट करते हुए आ जाएगा। देखिए वैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती नहीं है, कभी पता नहीं लगता एग्जामिनर कैसा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो टाइम के साथ साथ हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। अगर आप कोशिश करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने की, तो शायद आप लोगों के लिए 10-15 मार्क्स का फायदा हो सकता है। क्लियर? तो देखिए ये था आपका सारे का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो जो लोग इस साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिख रहे हैं उनके लिए हम सेपरेट एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हिमाचल जीके के नाम से, ठीक है, हिमाचल जीके के नाम से, उसके ऊपर जो है वो हम शेयर कर देंगे। तो आप लोग जो है वो वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश जीके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जीके के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, या हमारा फेसबुक के ऊपर भी पेज है। क्लियर? तो आप लोग जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं शेयर करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस साल का ऑप्शन लिखना है। ओपन ग्रुप रखूंगा ताकि आप लोग भी अपने इनपुट्स दे सको, अपने सजेशंस, आपकी सजेशंस, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, ताकि सब लोगों को कलेक्टिवली फायदा हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ उस ग्रुप को हम लोग थोड़ा सा एक तरह से एक स्टडी ग्रुप बना देंगे फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, ताकि मैक्सिमम जितने लोग हैं वो हर एक के एक्सपीरियंस से, चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस है चाहे वो आपका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ ना कुछ गेन कर सके। तो यहीं पे ही इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।